यूनिस आपका क्या रिएक्शन yeah. रहा बिकॉज हमने अर्ली आवर्स में ये मैच देखा अफगानिस्तान वी न्यू थोड़ा डिफिकल्ट अपोनेंट होगा फॉर पीएनजी लेकिन जिस मैनर में उन्होंने ये मैच रैप अप किया जिस मोमेंट में वो जा रहे हैं दे वर अनस्टॉपेबल एंड वंस अगेन इट वाज फजल हक फारूकी ऑफ कोर्स डिलीवरिंग विद द बॉल इज वेल लेकिन आज बैटर्स में भी हमने गुलबदी नायब की तरफ yeah. से एक अच्छा नॉक देखा थोड़ा ब्रेक मिला गुरबाज और जदरान को फ्रॉम यू नो यूरोज ओपनिंग पार्टनरशिप्स दैट पार्टनरशिप बीन सींग बट ओवरऑल अ वेल राउंडेड परफॉर्मेंस बाई अफगानिस्तान बिल्कुल वो हमारे सामने है और हम बार बार उनकी ये की बात कर रहे हैं कि अब अब अच्छे पॉइंट्स क्या हैं कि उनकी अगर आप आपकी बैटिंग देख लें बॉलिंग देख लें तो खास खासतौर पर जब फास्ट बॉलर आपके परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो एक अच्छा साइन है जिस तरह हम उनके फ़ास्ट बॉलर की बात करें तो वो दोनों जिस तरह आप, खास फजल फारूकी जब आके ही टून सेट कर देते हैं तो वो वहाँ से एक बड़ा जो है ना अब टीम में बैकफुट पर हो जाती है क्योंकि सब टीम चाह रही होती है कि पावर प्ले में चले कंडीशन इतनी टफ टफ हैं इतने ज़्यादा रन नहीं लेकिन विक, विकेट्स उनके हाँ, हैंड में हैं और फिर बाद में कैचअप करें लेकिन जिस तरह फजल फ़दल, फजल फारूक बॉल कर रहे हैं वो बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे वो आते हैं विकेट्स लेते हैं और फिर टीमें जब चेज चेज़अप कर रही होती है इन बिटवीन द इनिंग्स तो मुश्किल हो जाता है हमें पता है कि राशिद खान आएंगे वो बेस्ट बॉलर हैं वो आके आउट करेंगे और जैसे उन्होंने आउट भी किए लेकिन जब उनके फास्ट बॉलर्स की तरफ से इस तरह की परफॉर्म हो, परफॉर्मेंस होती है जो कि पास में मिसिंग थी तो ये ये उनके लिए अच्छी बात है और जिस तरह गुरबदी नायब ने आज ये 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 एग्जीबिशन की बैटिंग की है ये भी एक अच्छा स्थान है क्योंकि वो अब देखिए जब आपको बिग इवेंट्स जीतने होते हैं तो सिर्फ आप एक दो प्लेयर पे डिपेंड नहीं करते हो अगर आप एक दो प्लेयर पे डिपेंड करोगे और अगर वो उनके खिलाफ कोई अच्छा प्लान आ गया और वो द, और द, गिवन डे पे डिलीवर नहीं करोगे तो आपकी टीम बैकफुट पे होती है तो मुझे लग रहा है कि एरन तो कह रही कि वो टॉप फोर में मुझे मुझे तो लग रहा है कि वो टॉप टू में होंगे